लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आज बडले सबेलापा गोदीनगर जम्मू थमां 4604 श्रद्धालुओं पर आधारित अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे की झंडी दसी किया रवाना। श्रद्धालुओं च बड़ा मता उत्साह, जय बाबा बर्फानी की दे जयकारे करते हुए उन्हें प्रदेश प्रशासन की तरफा किए गए प्रबंधों की की सराहना। राज्यसभा च राष्ट्रपति उनके अभिभाषण उपर बहस शुरू, भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की बहस की शुरुआत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र च हिंदी भाषा के बढ़ावे 11,60,000 डॉलर का किया योगदान। नमस्कार, डोगरी खबरें से तुंदा स्वागत है। तो हुन पेश न खबरां विस्तार करना है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवत नगर आधार कैंप थमां सख्त सुरक्षा प्रबंधे तहत कश्मीर लिए रवाना हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आज बड़ले पहले आधार कैंप के मंदिर च पूजा की, फिर बाद 224 गड्डियों च सवार 4604 श्रद्धालुओं की झंडी दसी रवाना किया। जम्मू के भगवत नगर आधार कैंप च बड़ले सबेला गए श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालु अपनी अगली यात्रा लिए बड़े उत्साह कन्ने किठे हो गए हे। नेका श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए ते बम बम बोले का जयकारा करते हुए खुशी कन्ने नचा दे भी आए। बहुत उत्साह से हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूरा परिवार मेरा जा रहा है दर्शन करने, और यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जैसे किसी चीज का भय नहीं है हमें। इतनी फोर्स और इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है, किसी भी चीज का डर नहीं है, अच्छे से आप दर्शन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इधर अमरनाथ यात्रा के लिए आई हुई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। भोले बाबा से बहुत हम सभी से जो है ना सभी के लिए दुआ करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी जो है ना अमन चैन से रहें और बहुत अच्छा सबसे सबका जो है ना सबकी यात्रा मंगल में रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर स्वैन और दस्या जे यात्रुओं की सुरक्षा लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्हें यह भी दस्या जे थारे थारे सीसीटीवी कैमरे लाए गए हैं ते विजन सुरक्षा जांच दे कुसी भी गड्डी की यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। कन्वे का सिक्योरिटी का अलग, यात्रा कैंप्स की सिक्योरिटी अलग, एरिया सिक्योरिटी अलग, ट्रैक सिक्योरिटी अलग, डेप्थ में, लैटरल्स में, हर लिहाज से सिक्योरिटी जो है हमने सोच के रखा हुआ है। खाली यात्रा के सिलसिले में नहीं, यात्रा का जो सराउंडिंग एरिया है उसके सिलसिले में भी हमारी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रहेंसिव है। उसमें पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इवन आर्मी इन द डेप्थ एरिया, तो ये सब सारा जो है लगे हुए। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जिसले आज बडला उधमपुर पुजा तो उत्थे मकामी लोगों, पंचायती नुमाइंदे ते जिला प्रशासन के अधिकारियों उनका स्वागत किया। स्वागत करने वाले च उधमपुर दिया डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय तो उधमपुर रियासी पुलिस रेंज के डीआईजी रईस मुहम्मद भट्ट भी शामिल है। इधर परंत यात्रुओं के जत्थे की अगली यात्रा लिए रवाना किया गया।
इसी तरीके यात्रियों के इस पहले जत्थे का चंद्रकोट पूजने पर भी रामबन जिला प्रशासन की तरफा स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला के डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी, डोडा किश्तवाड़ रामबन पुलिस रेंज के DIG श्रीधर पाटिल, SSP अनुज कुमार ते मकामी लोग मौजूद है। इस मौके पर पुलिस की तरफा यात्रियों की सहायता ते फर्स्ट एड बारे एक कैंप भी लाया गया है। इस उपरांत यात्रु अगली यात्रा लिए रवाना हो गए है। श्री अमरनाथ जी के यात्रियों का जेड़ा पहला जत्था अज बडलै जम्मू थमां रवाना हुआ हा, उदा बनिहाल पूजने पर बड़े जोश कन्ने स्वागत किया गया। स्वागत करने आले च बनिहाल के SDM रिजवान असगर ते और दुए अफसर ते मुकामी लोग शामिल है। इस मौके पर यात्रियों का स्वागत लंबड़ ग्रांत द लुआए गए दे खास कैंप च किया गया, जिथे उन्हें की नारी भी करवाई गई। बढ़िया, साफ इंतजाम बहुत बढ़िया है। हम लोग हिमाचल से आ रहे हैं, 15 लोगों का हमारा ग्रुप है, तो बहुत बढ़िया। जय बाबा बर्फानी। सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम है। सभी से ये निवेदन है कि जो भी आता है बिना डर के आए, सब कुछ ठीक है। मैं यही अपील करूंगी कि सब लोग जो लोग डर की वजह से अपने घरों में बैठे हैं और अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, वो लोग आए और बाबा के दर्शन करें। अमरनाथ यात्रा की दिखते हुए जम्मू कश्मीर जरनैली सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज पहला जत्था बम बम बोले ते जय बाबा बर्फानी की दे जयकारे लांदे हुए काजी गुंड पूजी गया, जिथे मकामी प्रशासन की तरफा उनका स्वागत किया गया। जरनैली सड़क के दवे पासे सुरक्षा के तरेरे प्रबंध किए गए हैं। बहुत खुशी की बात है, हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। आपके दर्शन को चले श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले च गीता भवन जम्मू च साधु संत ते दुए श्रद्धालु ने एक लंगर का उद्घाटन जम्मू के डिवीजन कमिश्नर रमेश कुमार होने किया। इस लंगर का आयोजन जम्मू की किश धार्मिक ते सामाजिक संस्थाएं की तरफा किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले संत समाज के लिए गीता भवन में श्री अमरनाथ, श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्री न्यास की ओर से आज प्रारंभ हो रहा है। राज्यसभा च आज राष्ट्रपति उनके अभिभाषण उपर धन्यवाद प्रस्ताव उपर चर्चा शुरू की गई। BJP के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और चर्चा की शुरुआत करते हुए आख्या ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगुवाई हेठ भारत ने सफलता दी कई ऊंचाइया हासिल कीतियां। उन्हें आख्या जे भारत ग्रेट ब्रिटेन की पिछे छोड़िए दुनिया की सारे को वड्डी 5वीं अर्थव्यवस्था बनी गया है। उन्हें सरकार की होर भी कई उपलब्धियों उपर लो पाई, चर्चा अजे जारी है। सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने, हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है। नीट मतिहान च होई दी बेजाबतियों की लेइए विपक्षी पार्टियों आसिया विरोध प्रदर्शन के चलते आज लोकसभा की पूरे दिन लई स्थगित कर दिता गया। पहले स्थगन के बाद जिसले 12 बजे लोकसभा परती लाई तो कांग्रेस के सदस्य इस मसले उपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी तो और दूई पार्टी के सदस्य सदन के बीच आइए। अध्यक्ष ओम बिरला और सदन की जानकारी दी जे इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाई गई है। इस थमां पहले बड़ले सदन लगने पर अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्ष आसिया पेश किए गए स्थगन प्रस्तावित की मंजूरी नहीं दी। विपक्षी धड़े नीट उपर सदन च चर्चा की मांग करार देन, हंगामा बदने की सूरत सदन की दिने भरे स्थगित कर दिता गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज साबका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की। मोदी और आख्या जे नरसिम्हा राव और उनके नेतृत्व ते बुद्धिमत्ता लई चेता किया जाता है। उन्हें अगे आख्या जे उनकी सरकार वास्ते बड़ी मान वाली गल है जे श्री राव हुंदे आसिया राष्ट्र लई दित्ते गए योगदान वास्ते इस बरे दे शुरुआत उनेंगी भारत रत्न कन्ने सम्मानित किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र च हिंदी के बढ़ावे वास्ते 1.16 मिलियन डॉलर का योगदान दिता है। भारत के स्थाई मिशन के मामले आले विभाग के इंचार्ज अरविंदर होरें कल संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार ते समाचार ते मीडिया डिवीजन के निर्देशक इयान फिलिप्स होरें गी चैक सौंपया। इस विश्व संगठन च हिंदी के इस्तेमाल के प्रोत्साहन वास्ते हिंदी @UN प्रोजैक्ट के विस्तार लई यह राशि दी गई है। केंद्र सरकार ने इस महीने की 26 तरीक थमां आंशिक तौर पर दूर संचार कानून 2023 लागू करी दिता है। इस कानून तहत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश राष्ट्र कन्ने दोस्ती मित्री वाले रिश्ते या युद्ध की स्थिति च सबने दूर संचार सेवाएं की या कुसे इकली सेवा या नेटवर्क की अपने नियंत्रण च अधिकार हासिल हो गया है। दूर संचार कानून 2023 पहले के सबने कानून की थार लई लैग जिदे च भारतीय टैलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलैस टैलीग्राफ एक्ट 1933 ते टैलीग्राफ एक्ट 1950 शामिल न। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR स्वैन और पुलिस के 9 SPOs की तरक्की देइए कांस्टेबल बनाई दिता है। इन SPOs ने पिछले महीने हीरानगर च सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों बशकार होए दे उस टाकरे च बड़ी बहादुरी करने अपनी भूमिका निभाई जिदे च 2 आतंकवादी मारी दिता गया हा। यह समारोह कठुआ की जिला पुलिस लाइन च आयोजित किया गया जिथे ADGP आनंद जैन और कांस्टेबल बनाए गए SPOs की नियुक्ति पत्र सौंपे। ये तरक्की मिलने पर SPOs के परिवारें बड़ी खुशी प्रकट की है। जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए जल्द से जल्द। संगलदान रियासी बशकार रेलवे लाइन ते इस रस्ते च बने दे पुले ते सुरंगे दी तरक्की तकनीकी सुरक्षा जांच दा 3-2 सफलता कन्ने पूरा करी लेता गया है। रेलवे सुरक्षा कमिश्नर दिनेश चंद्र देशवाल होरें 46 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन दी 3 बारी सुरक्षा जांच अज पूरी करी लैती। इहदे अलावा संगलदान ते रियासी बशकार बिजली कन्ने चलने वाली रेल दा अपनी पूरी रफ्तार कन्ने चलने दा सफल अभ्यास भी पूरा करी लेता गया है। जो इंप्लीमेंट कर रही थी उसमें हमारे देश की मैं कहूंगा कि बेस्ट ऑफ द टैलेंटेड टीम यहाँ पर लगी हुई थी और भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाली परियोजना थी और इसका जो कार्य जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि का कार्य हुआ है। रजौरी जिले च कई नए सनाली थार न जेड़े उत्थों दे कुदरती शलैपे लई मशहूर न। इये ने एक इतिहासिक थार रजौरी च दराल छंब झरना है जेड़ा दिखने योग है ते इन्हें नई सैलानियों दी पहली पसंद बनी गेदा है। सरकार ते सैलसा विभाग आसिया सैलानियों दी सहूलत आस्ते कई विकास काम करवाए जा रहे हैं। एकदम चिल्ड पानी है जिसे कहते हैं हम, एकदम अच्छा पानी है। पीछे बर्फ पिघल कर आ रही है वो पानी आ रहा है और जहाँ पर हम आए हैं हमें बहुत अच्छा लगा। अगर जिले के दराल एरिया का ये टूरिस्ट प्लेस है जहाँ गर्मी के इस मौसम में दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा इसे डेवलप किया गया है और हर रोज 500 से 800 टूरिस्ट जो है गर्मी के इस मौसम में खूब इंजॉय करते हैं। दूरदर्शन न्यूज के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। CSIR IIM दे अरोमा मिशन की शानदार सफलता के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के भद्रवाह च पर्पल रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। यह लवेंडर टूरिज्म सैलसफा उद्योग के तौर पर उभरा करता है। इसे पूरे देश के विदेश थमां मते सारे सैलानी लवेंडर के खेतरें च खुशबूदार चाह का लुत्फ उठाने आवा करते हैं। केरल थमां आए दे सैलानी दे एक जत्थे ने आख्या जो वह भद्रवाह च खास तौर पर लवेंडर की सुंदरता दिखने लई आए हैं ते उन्हें महसूस हो जे ओ यूरोप च बैठे देन। सुंदरता और तंत्रिकाओं को आराम देने वाली सुगंधित चाय का आनंद लेते पर्यटकों का उत्साह स्पष्ट संकेत देता है कि लवेंडर पर्यटन उद्योग का एक बड़ा आकर्षण साबित हो सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए भद्रवाह से ताहिर नदीम खानी सबसे।
सांबा जिले के अपर करथोली ग्रां की बसनीक शकुंतला देवी होर अचार बनाने की अपना व्यवसाय बनाए दा है। इहदे च ओ ना छड़ी अपने आस्ते खरी आमदन हासिल कर दियां सगों उन्हें आले दुआले दियां 11 होर महिलाएं की भी रोजगार हासिल करवाया दा है। ये ध्यान देने जो गल है जे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होर भी अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज च शकुंतला देवी उनका जिक्र करते हुए बाकी महिलाएं का आह्वान किया है जे वह उनके कोला प्रेरणा हासिल कर। एदे कन्ने गए खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।